सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल टॉप न्यूज नेटवर्क्स, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस पाएं। राजकुमार हिरानी की सुपर हिट फ्रेंचाइजी मुन्ना भाई MBBS का सीक्वल मुन्ना भाई 3 इसी साल सिनेमाघरों पर आएगा। एक्टर अरशद वारसी ने कंफर्म करते हुए बताया है कि फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हो गई है और मूवी जल्द ही पर्दे पर आएगी। PTI से एक बातचीत में अरशद वारसी ने फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में भी बात की है। अरशद ने बताया कि मुझे पता है कि स्क्रिप्ट लगभग तैयार है। राजकुमार हिरानी से पता चला है कि फिल्म इस साल फ्लोर पर आएगी। अरशद वारसी आगे कहते हैं कि फिल्म या तो साल के बीच या अंत में रिलीज होगी। बता दें मुन्ना भाई MBBS 2003 में और इसका सीक्वल लगे रहो मुन्ना भाई 2006 में रिलीज हुआ था। दर्शकों ने दोनों मूवीज को जमकर पसंद किया था। दोनों पार्ट सुपरहिट रहे थे और अब मुन्ना भाई 3 दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। पहले फिल्म में ग्रेसी सिंह और दूसरी फिल्म में विद्या बालन संजय दत्त के ऑपोजिट थी। पिछली फिल्मों की तरह इस बार भी संजय दत्त के ऑपोजिट किसी नई एक्ट्रेस को ही कास्ट किया जाएगा, ऐसी चर्चा है। वैसे इससे पहले खबर थी कि हिरानी ने रणबीर कपूर को संजय दत्त के साथ कास्ट करने की प्लानिंग की है। रणबीर कपूर को मुन्ना भाई 3 में संजय दत्त के दोस्त सर्किट के रोल के लिए कास्ट किए जाने की खबरें हैं। बता दें मुन्ना भाई सीरीज में मुन्ना के साथ साथ सर्किट के रोल को भी काफी पॉपुलैरिटी मिली थी। सर्किट यानी अरशद वारसी, ये दोनों जोड़ी इतनी हिट हुई कि पर्दे पर इन दोनों ने कमाल कर दिखाया। आज तक लोगों की जुबान में मुन्ना भाई और सर्किट का नाम है। आपकी क्या राय है इस बारे में जरूर बताएं हमें कमेंट करके। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज नेटवर्क्स। धन्यवाद।